नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज फिरोजाबाद। फिरोजाबाद नगर निगम के प्रसादों ने कहा, विकास कार्य ठप, कौन है जिम्मेदार। फिरोजाबाद नगर निगम के कई प्रसादों ने गांधी पार्क में हुई बैठक के दौरान कहा, नगर निगम का एक वर्ष पूर्ण हो गया है, विकास कार्य पूरी तरीके से ठप है, आखिर कौन है जिम्मेदार। महापौर या संगठन का 8-8 लाख के कार्य विकास हेतु 8 महीने पहले स्वीकृत हो थे, क्यों आज तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। प्रसादों ने कृष्ण मुरारी अग्रवाल, पूनम शर्मा, मोहित अग्रवाल, प्रेमचंद संखवार, शरीफ गुड़िया, गुलशन संग काफी संख्या में प्रसाद मौजूद रहे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राज जैन के साथ आतो गोलस की रिपोर्ट। आज यहाँ पर बैठक हुई है, ये आज हमारा एक वर्ष हो गया सभी पार्षदों का, और सोचने का विषय है ये कि नगर निगम एक वर्ष पार्षदों का गुजरने के बाद भी आज इस शहर ने इतने जनप्रतिनिधि दिए हैं, और सब सत्ता में होते हुए और शहर में जो आज हो रहा है, डीएल मिल नहीं रहा, मोटर दे नहीं रहे, लेटर पैड खत्म हो गए और कोई नहीं सुन रहा है, और न कोई यहाँ बैठता है, अधिकारी भी चले गए। मैं पार्षद विनीता अग्रवाल, पति कृष्णमारी अग्रवाल, समन्वयक पार्षद। अच्छा, आज किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है जो यहाँ आप सभी लोग पार्षद लोग एकत्रित हुए? एक वर्ष का कार्यकाल फिरोजाबाद नगर निगम का पूर्ण होने के पश्चात हम लोगों के मन में एक भाव आया कि सभी 70 पार्षदगण आज गांधी पार्क में बैठेंगे और 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक बिंदु तो ये है, बड़ा दुखद बिंदु है कि पिछले 8 महीने पहले 8-8 लाख रुपए की कार स्वीकृत हुई थी बोर्ड की मीटिंग में। बोर्ड की मीटिंग में जब 8 महीने पहले बार्डों के 8-8 लाख के प्रस्ताव स्वीकृत हुए, उसके पश्चात आज 8 महीने तक काम क्यों नहीं लगा। दूसरा विषय ये है कि माननीय सत्ता पक्ष के योगी जी सरकार के माननीय सुरेश खन्ना जी के आदेश अनुसार 20-20 लाख रुपए के बिना किसी भेदभाव के सभी पार्षदों के प्रस्ताव मांगे गए थे, जो 2 महीने के अंतराल काल में आज तक मंडल आयुक्त को नहीं भेजे गए। बनाकर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन? अच्छा, आप किसे मानते हैं इसकी जिम्मेदारी? मैं वही विषय कहना चाह रहा हूँ। तीसरा विषय बिंदु, आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नगर निगम में सभी अधिकारियों की गाड़ियाँ चल रही हैं, सभी को वेतन मिल रहा है, सभी के काम सुचारू रूप से हो रहे हैं, महापौर जी का सभी काम व्यवस्थाएं संपूर्ण रूप से चल रही हैं, तो आखिर नगर निगम के मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी से कैसे बचा जा सकता है? जिम्मेदार तो आखिर मुखिया महापौर ही है हमारी, उन्हीं को यही प्रश्न करना प्रश्न है, उत्तर चाहते हैं सभी पार्षदगण कि आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है। आगे इन मुद्दों पर जो 20 लाख पास हुए हैं और 8.5 लाख रुपए जो पिछले 8 महीने हुए थे, इन बिंदुओं पे क्या आगे चलकर सभी पार्षद इसका मुद्दा उठाएंगे? क्या कोई इस विषय पर मुद्दा उठाने का विषय बार बार यूँ नहीं बनता है कि पब्लिक में, जनता में संदेश बहुत गलत दे रहे हैं हमारे विरोध में। जब बार बार अखबारों में आप निकलवा चुके हो, विज्ञप्ति दे चुके हो, तो आखिर काम क्यों नहीं हो रहे? काम इसलिए नहीं हो रहे हैं कि सौदेबाजी को मैनेज करने के लिए, ये जब सौदेबाजी हो जाएगी तो काम भी शुरू हो जाएंगे। कौन है ये व्यक्ति जो नगर निगम को पिछले 1 वर्ष से इस घटनाक्रम में चलते हुए इस गतिरोध को बनाए रखे हुए है, और आज 1 वर्ष काल का जो दुखद कार्यकाल पूर्ण हुआ है नगर निगम का, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है ये। पुराने कार्य स्वीकृत वही हो रहे हैं, पास निधि या पासनों के द्वारा स्वीकृत किए गए कार्य, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? हम सब पार्षद ये जानना चाहते हैं। नगर निगम में आजकल क्या चल रहा है? सभी अधिकारियां मेडिकल अधिकारी मेडिकल ले रहे हैं और छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन इन सब के चीजों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? हम पार्षद आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से, हम जनप्रतिनिधियों से ये जानना चाहते हैं।